कोटा एक ऐसे शहर के रूप में उभरा है जहां शायद ही कभी कोई भूखा सोता हो। काम नहीं है, पैसा नहीं है, मगर भरपेट भोजन का प्रबंध यहाँ हर जरूरतमंद इंसान के लिए हर दिन शहर के चुनिंदा इलाकों में है, जिससे कि किसी को रात में भूखा ना सोना पड़े। ये संभव हो सका है सिर्फ एक महान सोच और जरूरतमंदों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों की वजह से। ओम बिरला जी के जीवन के इस सामाजिक पहलू की तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में कर चुके हैं। उनका व्रत था कि कोटा में कोई भूखा नहीं सोएगा, और वे एक प्रसादम नाम की योजना चलाते थे, आज भी चल रही है। उस प्रसादम योजना के तहत जन भागीदारी से भूखे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनको खाना खिलाना, ये उनका रेगुलर काम बन गया। गरीब को गणेश मानते हुए कोटा के समाज सेवियों और व्यापारियों को एक मंच पर लाकर ओम बिरला ने वहां जो प्रसादम योजना शुरू की, वो पिछले 10 साल से चल रही है, और अब हर रोज सैकड़ों गरीब वहां पेट भरकर खाते हैं। जब मैंने कोटा के अंदर निःशुल्क भोजनालय चलाया था, मुझे कई बार ऐसा लगा कि कई कच्ची बस्ती के अंदर गरीब व्यक्ति शाम को भोजन नहीं बना पाता, उसके खाना नहीं होता। तो मैंने लोगों के सहयोग से निःशुल्क भोजनालय शुरू किया, और मैंने किसी एक सेठ से पैसा नहीं लिया, एक संस्था से पैसा नहीं लिया। मैंने 365 दिन में, मैंने कहा कि 365 दिन होते हैं, 365 दिन के लिए मुझे 750 लोग चाहिए, जो सुबह का टाइम का एक का भोजन हो, शाम का टाइम का एक का भोजन हो, और किसी के जन्मदिन पर, किसी के पिताजी की याद में, किसी की माँ की याद में, जो भी वो अच्छा समझे। ये जो आप विशालकाय रसोई देख रहे हैं, दरअसल यही वो जगह है जहां रोज हजारों जरूरतमंद लोगों के लिए साफ सुथरा और शुद्ध खाना बनता है। यहां दर्जनों कर्मचारी हैं जो हर दिन निर्धारित मेन्यू के हिसाब से खाना बनाते हैं। खाने में जरूरी पोषक तत्व और साफ सफाई का यहां विशेष ध्यान रखा जाता है। आमतौर पर ये वैन ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां अक्सर मजदूर और गरीब लोग होते हैं, जो दूर दराज के स्थानों से आए हुए होते हैं। प्रसादम आज देश भर में एक मिसाल है, कैसे बिना सरकारी मदद के समाज के सहयोग से भुखमरी को खत्म किया जा सकता है।